हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 पॉइंट लाइन्स एंड एंगल्स लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर फोर इन द गिवन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डैट ए इज अ लाइन फर्स्टली वी कैन सी है ए बी इज अन यस दिस इज ऑलरेडी लाइन बट हाउ वी कैन प्रूव इट लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह एक लाइन है

चारों ओर कितने कोण बन रहे हैं ये बात अलग की है बशर्ते यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं ओनली फोर एंगल बन रहे हैं एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जेड एंड एंगल डब्लू तो सारे एंगल्स का मान जो आपका होगा थ्री सिक्सटी के बराबर होगा देन नाउ कम ऑन द पॉइंट एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी एन एंगल सी ओ ए या यू कैन से ए ओ सी ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी है पहले तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों एंगल्स एक्स एंड वाई एक लाइन पे बने हुए हैं ये देखिए आप ए और बी आप सीधी लाइन देख सकते हैं सीधी लाइन देख सकते हैं बट अभी ये लाइन नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है देन हम इसे लाइन नहीं बोल सकते हैं बट एंगल एक्स एंड वाई एंग तो आपका एक रे के अकॉर्डिंग खड़ा हुआ है ना देखिए एक रे इस पे सी और ओ जो रे है इस पे स्टैंड है देन हमें एक चीज़ पता है कि ये लीनियर पेयर के द्वारा वन एट्टी के बराबर है बट अभी हम ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें यह क्वेश्चन में प्रूव करना है देन हमें ये पता है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी एक पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले जो कोण होते हैं उनकी वैल्यू थ्री सिक्सटी के बराबर होती है

इसको हमने अलग ब्रैकेट में रखा है एंड इसको एक्स वाई को अलग ब्रैकेट में रखा है एंड डब्लू जेड को अलग ब्रैकेट में रखा है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं दोनों को अलग अलग एंगल्स को एक पेयर में यूज किया गया है दैट्स वाई एंड एंगल एक्स प्लस वाई इसक्वल टू प्लस जेड में है एक्स प्लस वाई इसक्वल टू प्लस जेड वी कैन से दैट कि हम डब्लू प्लस जेड को एक्स वाई लिख सकते हैं या एक्स वाई को डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं डब्लू प्लस जेड लिख सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन सही लगे हमने यहाँ पे डब्लू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई को रखी है वैल्यू देखिए दोनों इक्वल हैं दोनों इक्वल हैं तो जहाँ पे वैल्यू हमारी डब्लू प्लस जेड की थी वहाँ उस जगह पे हमने एक्स प्लस वाई को रख दिया एक्स प्लस वाई को रख दिया देखें फर्स्ट एक्स प्लस वाई आपका पहला एक्स प्लस वाई और जब डब्लू प्लस जेड की जगह पे हम हमने एक्स प्लस वाई का यूज़ किया है एंड बोथ हार इक्वल टू थ्री सिक्सटी बोथ हर इक्वल टू थ्री सिक्सटी एंड वन एक्स वाई एंड प्लस वन एक्स वाई इसक्वल टू टू एक्स वाई टू एक्स वाई इसक्ल टू थ्री सिक्सटी के बराबर हो जाएगा देन एक्स वाई इज्क्ल टू थ्री सिक्सटी बाई टू इजल टू वन एट्टी एंड वीकेंस से है एक्स प्लस वाई इज्क्ल टू वन एट्टी और आपको एक बात बता दूँ किसी भी स्ट्रेट एंगल पे आपको पता किसी भी सॉरी किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ए एंड बी या वी कैन से एनी स्ट्रेट लाइन जी किसी भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल का मान 180 आ जाता है तो वह अपने आप में यह सिद्ध हो जाता है कि वह एक लाइन है देन यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दोनों का जो सम है 180 के बराबर है देन वी कैन से दिस इज़ अ लाइन ए बी इज अ लाइन एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दस दैट मीन्स इसलिए एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए As well as एंगल बी ओ डी एन एंगल ए ओ डी फॉर्मेलिनियर पेयर देखिए आपके क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी एन एंगल सी ओ एंड ये दोनों किसके समान हैं जैसे कि आपके एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए इन दोनों के बराबर में हैं इन दोनों के बराबर में है और दोनों बहुत है देखिए एक्स प्लस वाई भी लीनियर पेयर बना रहा है एंड डब्ल्यू प्लस जेड भी आपका लीनियर पेयर बना रहा है नाउ द फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर मैंने बताया आपको कंसिक्वेंटली जैसे कि ओ ए एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेस देखिए परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप आप क्या बोल सकते हैं कि ओ ए एंड ओ बी दीज आर अपोजिट रेज ये एक दूसरे के विपरीत में किरणें बन रही हैं एक दूसरे के विपरीत में किरणें बन रही हैं देयर फोर इसलिए एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंगल ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो बाय बाय